नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे सेशन 5 की, जो कि क्वेश्चन आंसर है अबाउट एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और उस क्वेश्चंस के आंसर यदि आप जानते हैं तो उसको कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उन लोगों का यहाँ पर नाम अनाउंस करना चाहूँगा। सबसे पहले हैं गीतांजलि गुज्जर, उसके बाद हैं विनोद कुमार, प्रेम पाच्या, शैलेंद्र कुमार, शेख दैनिस, रबानी कादरी, वाल्मीकि जी, दिनेश शर्मा हैं, उसके बाद प्रदीप कुमार बाघा, नेक्स्ट हैं एमडी नाजिम, उसके बाद हैं पिंटू मंडल, मनोज कुमार, उसके बाद चंदन जी हैं, इनका नाम दिख रहा है लवली चंदन के नाम से, उसके बाद है छोटे साहब, और नेक्स्ट हैं मनदीप कौर, और उसके बाद हैं रवि मिश्रा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सारे के सारे राइट आंसर कॉमेंट सेशन में लिखे हैं। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, AWPL का उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ बताना है AWPL कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, ये कंपनी किस उद्देश्य पे कार्य कर रही है, ये आपको कमेंट सेशन में बताने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डीजी डॉग पाउडर, AWPL कंपनी का डीजी डॉग पाउडर किस काम में आता है, ये आपको कमेंट सेशन में बताने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों इसमें बताना है कि क्या AWPL कंपनी में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन है कि आप ये जॉब कर रहे हैं तो आप ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, या आप कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, ऐसा क्या कोई क्राइटेरिया है या ऐसा कोई कंडीशन है, या कोई भी ज्वाइन हो सकता है, यदि आप जानते हैं तो इसको कमेंट सेशन में लिखकर बताइए। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों आपको बताना है कि क्या AWPL कंपनी में एलर्जिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई स्पेशल भी प्रोडक्ट है, यदि है तो उसको उसका नाम कमेंट सेशन में आपको लिख देना है। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हम नाम सुनते हैं, क्या आप बता सकते हैं एस्क्लेपियस इस कंपनी के जो नाम में है एस्क्लेपियस उसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों इसके अर्थ को आपको कमेंट सेशन में लिखकर बताना है। अब आइए हम बात करते हैं प्रीवियस सेशन के आंसर की बात, सेशन नंबर 4 का आंसर हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो सेशन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा गया था AWPL का फुल फॉर्म क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसका फुल फॉर्म है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि पूछा गया था कि वीकली कैपिंग क्या है एग्जीक्यूटिव डीएस, सुपर डीएस और प्रीमियम डायरेक्ट सेलर की। दोस्तों यहाँ हम बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव डीएस जो होते हैं वो 27 एसपी से होते हैं और इसकी वीकली जो कैपिंग है वो 50,000 की होती है, उसके बाद सुपर डायरेक्ट सेलर जो होते हैं वो 52 एसपी से होते हैं और इनकी वीकली कैपिंग जो है 100,000 से होती है, और उसके बाद प्रीमियम डायरेक्ट सेलर इनका 100 एसपी से होता है और इनकी वीकली जो कैपिंग है वो 1.5 लाख रुपए तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में जिसमें पूछा गया था कि SAO और SGO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों SAO जो है उसका फुल फॉर्म होता है सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और SGO का फुल फॉर्म होता है सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया था कि AWPL के लेफ्ट और राइट साइड को और किन दो नामों से जाना जाता है, मतलब लेफ्ट साइड को कौन से दो नाम और राइट साइड को कौन से दो नाम से जाना जाता है इसके जो लेग होते हैं, तो लेफ्ट लेग जो होता है उसको बोनस कह सकते हैं और SAO भी कहते हैं, इसके बाद जो राइट लेग होता है उसको इंसेंटिव कहा जाता है और इसके अलावा SGO भी कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि AWPL का पंच तुलसी जो प्रोडक्ट है उसमें कितनी तरह की तुलसी से वो मिलाकर बनाया गया है, तो इसका आंसर है 5 तरह की तुलसी से मिलाकर बनाया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है और एंड लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।